दोस्तों, तो कल जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आ रहा है 22 तारीख को, तो यहाँ पे ये जो आईपीओ आ रहा है, तो ये आईपीओ में हमको अप्लाई करना है कि नहीं करना है? टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी कैसे है, इसमें हमको कैसे अप्लाई करना है, और पूरी आईपीओ की जानकारी मैं आपके आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं स्टॉक मार्केट में जैसे कि यहाँ पे 17 साल से हूँ, और जैसे कि बहुत सारे आईपीओ मेरे सामने आए हैं, स्पेशली ये टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ है, उसके लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया। तो यहाँ पे ये वीडियो आप पूरा देख लो, इसमें मैं पूरी जानकारी देता हूँ। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है, तो उसके बारे में हमको, यानी कंपनी के बारे में, उसकी हिस्ट्री हमको पूरी मालूम होनी चाहिए। तो हम लोग पहले देखते हैं टाटा टेक्नोलॉजी का जो कि हिस्ट्री। तो ये इसका जो हिस्ट्री है, जैसे कि टाटा मोटर्स है जो इसका ये पार्ट हुआ करता था, टाटा टेक्नोलॉजी। और ये टाटा टेक्नोलॉजी क्या करता था कि टाटा मोटर्स है उसके लिए वो डिजाइन बनाता था, डिजाइन और डेवलपमेंट का काम करता था। तो वो धीरे धीरे और भी, यानी कि दूसरे कंपनी के भी काम लेना शुरू किया, इसलिए इसको सेपरेशन किया गया 1994। यानी इसका जो है कि अभी ये कंपनी सेपरेट कंपनी है, लेकिन ये टाटा मोटर्स से ही बना हुआ कंपनी है। इसीलिए तो टाटा टेक्नोलॉजी का अभी आईपीओ आ रहा है, तो टाटा मोटर्स के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको एज अ शेयर होल्डर कोटा मिलने वाला है, तो ये भी नोट डाउन कीजिए। अभी इसका वर्क है जैसे कि डिजाइन और डेवलपमेंट करना, तो ये भी अभी डिजाइन और डेवलपमेंट भी कर रहा है, जो कि डिजाइन और डेवलपमेंट लगता है जो कि ऑटो में। इसके मेन जो क्लाइंट्स है ये है टाटा मोटर्स, और मैक्सिमम इसका एक्सपोर्ट भी होता है, यानी ओनली टाटा मोटर्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं है। तो इसका एक्सपोर्ट भी होता है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेल होता है। इसका सिमिलर कंपनी अगर टाटा ग्रुप में हम लोग देखेंगे तो टाटा एलएक्सजी है, इसका एक सिमिलर कंपनी यहाँ पे है। इसके कॉम्पिटिटर कौन है, तो केपीआईटी, एलआईटी टेक्नोलॉजी और टाटा एलएक्सजी इसके कॉम्पिटिटर है। तो टाटा एलएक्सजी टाटा की कंपनी होके इसका कॉम्पिटिटर कैसे, तो दोनों का भी काम जो है कि थोड़ा बहुत सिमिलर है। और एज पर माई नॉलेज की जो टाटा टेक्नोलॉजीज है ये ज्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर भी डिपेंड है। और दोस्तों, इसमें हमको यहाँ पे अप्लाई करना है कि नहीं करना है, तो मैं आपको कुछ रीजन बताऊंगा, उसके बारे में हम लोग पूरा आईपीओ कैसे है वो भी देखेंगे। तो पहले रीजन देखते हैं कि आपको इसमें क्यों बाय करना चाहिए। अभी जैसे कि ये जो कंपनी है ये टाटा का है, तो ये जो नाम है ये बहुत ट्रस्टेड है, तो इसीलिए भी लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये और सब्सक्राइब होने का ज्यादा चांसेस है। 20 साल के बाद टाटा का को कोई आईपीओ आ रहा है, तो यहाँ पे इंफोसिस का पहले 20 साल पहले आईपीओ आया था, तो आज से 20 साल हम लोग 2004 यहाँ पे लेते हैं, तो वो जब भी आया था उसके बाद ये 35 टाइम्स बढ़ा है। यानी ये 20 साल में इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, टाटा ग्रुप दे रहा है, तो कोई भी इसके कंपनी में जो है कि इन्वेस्ट करेगा। इसका क्लाइंट रिटेंशन बहुत अच्छा है, तो क्लाइंट बेस भी अच्छा है, और जो कि क्लाइंट्स रहते हैं वो रिपीटेटिवली आ रहे हैं, यानी जो है कि इसको क्लाइंट का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, यहाँ पे कोई भी कर्जा नहीं है, डेप नहीं है। लो पीई रेशियो इन इंडस्ट्री, 32 का इसका पीई रेशियो है, तो ये इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा होता है। अभी यहाँ पे चांसेस ऑफ ओवर सब्सक्राइब है, यहाँ पे देखिए कि ये ओवर सब्सक्राइब होने का बहुत ही चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, एम्प्लॉइज को दिया जा रहा है, और जैसे कि लोग भी टाटा का शेयर है इसलिए ज्यादा यहाँ पे इसको बाय करने के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे ग्रे मार्केट में भी जैसे कि आईपीओ होता है तो उसका कुछ रेट चलते रहता है, तो इसका जो रेट चल रहा है मार्केट, ग्रे मार्केट में ये 70%+ चल रहा है। अभी यहाँ पे स्पेशल ऑफर, जैसे कि टाटा मोटर्स के जो शेयर्स है उनके लिए यहाँ पे स्पेशल ऑफर भी है। इतने सारे रीजंस है कि ये शेयर्स यहाँ पे आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। और जो भी आप आईपीओ में अप्लाई करोगे तो देखें कि आपके घर में डीमैट अकाउंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, तो सभी डीमैट अकाउंट में आप अप्लाई करोगे, क्योंकि जो कि अलॉटमेंट का जो चांसेस होता है कम होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, और ज्यादातर ज्यादा अप्लाई करो। तो दोस्तों, कोई भी आईपीओ आता है तो आईपीओ के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ये हमको यहाँ पे मालूम होना चाहिए।
तो यहाँ पे जो है कि इक्विटी शेयर होल्डर है उनको यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना है, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना है, इसलिए ये क्या करें इक्विटी अपने यहाँ पे बेच रहे हैं। यहाँ पे ये जो है कि ऑफर फॉर सेल है, ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी प्रमोटर्स हैं उनको अपना स्टेक बेचना है, यानी कि यहाँ से हमसे जो पैसा लेंगे उसके ऊपर ही कंपनी एक्सपांशन या उसका डेप देना ऐसे कुछ काम नहीं होगा, तो जो प्रमोटर्स हैं उनको पैसा मिलने वाला है, राइट। तो उनका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि लोगों को ये बिजनेस में यानी जो कि टाटा टेक्नोलॉजीज में इन्वॉल्व करना और कंपनी लिस्टेड होना। ओके, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव रहता है तो वो बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आईपीओ का डेट है ये 22 तारीख है, 22 से 24 तारीख है, तो यहाँ पे ये 3 दिन ओपन रहता है आईपीओ। इसमें आपको क्या करना है कि अप्लाई करना है, और यहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट होगा तो जब आप लॉग इन करते हो वहां पे आईपीओ रहता है, आईपीओ में आप लॉग इन कर सकते हो, और कैसे करना है कितने लॉट लेना है मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे शेयर का वैल्यू फेस वैल्यू है यहाँ पे जो कि 2 रुपीज है, या इसका प्राइस बैंड होता है 475 to 500। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम जो है कि 500 ही आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। लॉट साइज 30 का है, यानी 30 शेयर एक लॉट में होगा, यानी मिनिमम आप भरोगे तो मिनिमम आपको 30 शेयर यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। टोटल इश्यू साइज है यहाँ पे, टोटल इश्यू साइज बताया, यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है तो ये भी यहाँ पे बता दिया है, लिस्टिंग यानी बीएससी और एनएससी दोनों पे यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है। ओके, और यहाँ पे जो कि शेयर होल्डिंग पर इशू यहाँ पे दिखा है, तो और भी मैं डिटेल्स आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे हमको जितनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वही मालूम होना जरूरी है, तो यहाँ पे नेक्स्ट डिटेल हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है कि कौन से दिन में क्या होगा। आईपीओ ओपन डेट यहाँ पे दिया है, देखिए 22 तारीख, और आईपीओ क्लोज डेट 24 तारीख, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यहाँ पे दिखा है 30 तारीख को, नेक्स्ट इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स फ्राइडे को है, 1 तारीख को है, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट, तो डीमेट अकाउंट में कभी लगेंगे कभी आएंगे जो भी आपको लगेंगे तो वो 4 तारीख को आएंगे। लिस्टिंग डेट है 5 दिसंबर। ओके, अभी यहाँ पे देखो सभी डेट दिए हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोट डाउन करके रख सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए कि लॉट साइज यहाँ पे दिखा है कि अगर आप एक लॉट भरते हो जो कि 30 इसका है, और यहाँ पे आपको 15,000 लगेंगे जो कि रिटेलर को है, और मैक्सिमम आपको जो कि 2 लाख यानी कि 2 लाख के आसपास जो अमाउंट लगता है, तो आप मैक्सिमम लॉट जो है कि 13 यहाँ पे भर सकते हो। एच एन आई की भी यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप एच एन आई कैटेगरी और अदर कैटेगरी में भर सकते हो। तो हम लोग मोस्टली यहाँ पे जब मैं आईपीओ का ये बना रहा हूँ तो हम लोग मोस्टली यहाँ पे रिटेलर के देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि ये ऑफर फॉर सेल है, तो जो कि प्रोमोटर्स है तो प्रमोटर का करंट शेयर होल्डिंग इतना है 66.79, और आफ्टर इशू के बाद इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा इतना 55%, तो मोर देन 50% शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा होता है, और जो है कि उनका स्टेक है वो कम कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। ओके, तो दोस्तों कोई भी कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फाइनेंशियल देखेंगे, तो देखिए कि इसके सब फाइनेंशियल यहाँ पे है, रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये जो है कि इम्प्रूवमेंट यहाँ पे है, उसके सभी जो है कि हर चीज में इम्प्रूवमेंट है, और रेवेन्यू भी यहाँ पे अच्छा है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बोरोइंग, यहाँ पे बोरोइंग बिल्कुल नहीं है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी डेप नहीं है। तो कोई भी स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आईपीओ में जो भी शेयर रहता है उसका तो चार्ट नहीं रहता, तो हम लोग चार्ट देख के कुछ पता करें तो ये फंडामेंटल देखने पड़ते हैं, तो मोटा मोटी जितना हमको फंडामेंटल समझते हैं हम लोग देख के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कि यहाँ पे पीई रेशियो देखिए 32 का है। ओके, ईपीएफ देखिए यहाँ पे, और एक मार्केट कैप, तो एक मोटा मोटी चीजें जो फंडामेंटली है। तो दोस्तों ये सब चीजें देखिए मुझे लग रहा है कि हम लोग जो है कि टाटा टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, और इसका ओपनिंग गेन भी बहुत अच्छा होने वाला है, और ये जो स्टॉक है जो है कि अगर आपको लगता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो, क्योंकि टाटा जो है कि ट्रस्टेड नेम है, और इसके बाकी के भी कंपनीज के शेयर्स है बहुत ही अच्छा यहाँ पे उन्होंने रिटर्न दिया है। तो दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक छोटा वीडियो था, और भी आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।